की याद होगा मैंने आपके साथ इस बॉर्डर डिज़ाइन की वीडियो शेयर की थी और आपको बोला था ये आप फुल कार्डिगन में भी डाल सकते हो और बॉर्डर में भी डाल सकते हो। तो देखिए मैंने इसे बॉर्डर के तौर पर यूज़ किया है और 1, 2, 3 बार इस पैटर्न को मैंने बनाया है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए और ये डिज़ाइन देखिए इस पर कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ऐसे बहुत प्यारा बहुत सुंदर पैटर्न है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में और जेंट्स स्वेटर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन है देखिए ऐसे। आप इस नीचे वाले डिज़ाइन को भी फुल डिज़ाइन को देखिए पूरे स्वेटर में जेंट्स के स्वेटर में डाल सकते हैं पूरे में, बॉर्डर में नहीं। बॉर्डर में गंदा लगेगा, बॉर्डर में सिर्फ लेडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। या इससे आप देखिए फ्रॉक वगैरह में घेर भी बना सकते हैं और ऊपर बॉडी में ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ऐसे ये वाला डिज़ाइन मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत आसान और बहुत सुंदर पैटर्न लग रहा है। तो इसे बनाने के लिए देखिए हमने ये डिज़ाइन को बनाने के लिए 12-12 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, एक फंदा हमने एक्स्ट्रा ले लेना है। 12-12 के मल्टीपल से फंदे डालिएगा, एक फंदा आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने नीडल में फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद इसकी फर्स्ट रो सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, दो फंदे हम उल्टे बना देंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ पूरी सिलाई में। अब हमने इसी पैटर्न को देखिए दोहराना है, 7 फंदे सीधे 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फिर धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 धागा दूसरी तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब लास्ट में 7 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारे पास 2 फंदे उल्टे। ये स्टिच है इसे सीधा ही बना दूंगी ऐसे। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से ये हमारी सेकंड रो है। फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब पहले ये 2 फंदे हैं जिन्हें सीधा बना लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ। अब ये 7 फंदे हमारे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा दूसरी तरफ, 5 फंदे सीधे। जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं ना उल्टी तरफ से, वैसा ही इसे बनाते जाएंगे। देखिए खुद ब खुद देखिए पता लगता है ये फंदे सीधे हैं 5, तो इसे सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये 7 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए ये पूरी रो बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो सीधी तरफ से, थर्ड रो भी हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी। फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे देखिए ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब फिर से ये 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फिर धागा दूसरी तरफ, 7 फंदे सीधे। ये पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, 7 फंदे सीधे 5 उल्टे, 7 सीधे 5 उल्टे। लास्ट में जाकर हमारे पास देखिए 2 फंदे उल्टे होंगे और स्टिच का फंदा, और उल्टी तरफ से भी जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसे ही बना लेंगे। ये दोनों रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि हमने क्या करना है।
सीधी तरफ से देखिए ये हमारी फिफ्थ रो है। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे। उतारने के बाद देखिए ऐसे फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा दूसरी तरफ है हमारा, धागा अपनी तरफ नहीं करना है अभी, दूसरी तरफ ही रखते हुए जब उल्टा फंदा बनाएंगे ना, फिर ये यहाँ पर हमारी देखिए जाली डल गई। ठीक है, ये दो फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा कर ऐसे सीधा कर लेंगे और दो फंदों में सिलाई डालेंगे पीछे से, इन दोनों को दो का एक कर देंगे ऐसे। दो का एक करने के बाद ये एक दो तीन फंदे सीधे, अब आगे से सिलाई डालेंगे इन दो फंदों में, इन दो फंदों को ऐसे दो का एक कर देंगे। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। दो फंदे उल्टे बनाए, अब ये देखिए दो फंदे इधर हो गए, दो इधर, ये बीच में हमने पांच फंदे रखे थे ना, अब इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डालने हैं, तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ रखते हुए जब सीधा बना देंगे तो यहाँ पर जाली डल गई। अब धागा हमारा पीछे है, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे तो फिर से देखिए यहाँ पर सिलाई पे ये बल आ गया, तो ये हमारी एक जाली ये डल गई, एक ये एक ये। ठीक है, दो फंदे ये उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब इस फंदे को उतारेंगे फिर से ऐसे सीधा करेंगे, दो फंदों में सिलाई डालेंगे पीछे से, दो का एक कर देंगे ऐसे। देखिए अब एक दो ये तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से आगे से देखिए इन दो फंदों में सिलाई डाल लेंगे और इन दोनों को कर देंगे दो का एक। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, अब फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डाल देंगे, धागा पीछे रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे तो यहाँ भी जाली डल गई, एक फंदा और उल्टा। धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को उतारेंगे ऐसे सीधा करेंगे और पीछे से कर देंगे दो का एक, बीच वाले ये तीन फंदे सीधे आएंगे, अब आगे से सिलाई डालते हुए इन दो फंदों को दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर हमने जाली डाल दी, अब उल्टी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदा उतारेंगे, ये जाली वाले फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे सीधे हैं इन्हें सीधा ही बना लेंगे, अब धागा अपनी तरफ रखते हुए ये बीच वाले हमारे पांच फंदे जिन्हें उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली वाला फंदा उल्टा एक ये दो ये तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से ये बीच वाले पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये एक दो और ये तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को पहले उल्टा बना लेंगे, ये स्टिच वाला फंदा भी हमारा उल्टा। ठीक है, अब रो सेवन सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को पहले उतारा, अब ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है जिसे सीधा बना लेंगे, अब यहाँ पर उल्टा फंदा बनाना है, धागा उधर रखते हुए ऐसे उल्टा बनाएंगे तो देखिए अपने आप ओवरलैप हो गया ना सिलाई पर, तो इससे ये जाली डल जाएगी, ये एक फंदा और उल्टा, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, दोनों को पीछे से दो का एक कर देंगे ऐसे, अब एक फंदा बीच में सीधा आएगा, अब आगे से सिलाई डालेंगे दो फंदों में, इन्हें भी दो का एक कर देंगे ऐसे, अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई, ये एक दो
तीन फंदे सीधे हो गए। अब पीछे से देखिए, धागा पीछे रखेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे तो यहाँ भी जाली डल गई, ये एक और फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, ये एक फंदा सीधा, अब आगे से सिलाई डालेंगे, दो फंदों में दो का एक कर देंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ, ये एक, दो फंदे उल्टे। अब अपनी तरफ ही धागा रखते हुए हमने तीन फंदे ये सीधे बना दिए, यहाँ पर हमारी देखिए फिर से जाली डल गई। अब पीछे धागा है, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, यहाँ भी जाली डल गई, ये फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा किया, अब पीछे से सिलाई डालते हुए दो का एक कर दिया, एक फंदा ये सीधा बना लिया, अब इन दो फंदों में आगे से सिलाई डाली, दो का एक कर दिया, धागा अपनी तरफ, ये एक, ये दो फंदे उल्टे। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर जाली डल गई, ये लास्ट एस स्टिच का फंदा जिसे सीधा बना देंगे। उल्टी तरफ से देखिए, ये हमारी एट्थ रो है, तो फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, अब एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे ये सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे। जो फंदे बस हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं ना उल्टी तरफ से, तो हमने वैसे ही बनाते जाना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी उल्टी तरफ से आपको, बहुत इजी पैटर्न है ये, देखिए ऐसे पूरी करी नो, नाइन्थ रो देखिए सीधी तरफ से, फर्स्ट फंदे को पहले हम उतार लेंगे, अब उसके बाद हमारे दो फंदे जाली से बढ़ गए हैं जिन्हें सीधा बनाएंगे, अब धागा पीछे रखते हुए देखिए इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, खुद ब खुद यहाँ पर जाली डल गई, एक फंदा और उल्टा, अब धागा दूसरी तरफ, अब यहाँ पर हमने इन तीन फंदों को एक करना है, पहले फंदे को उतारेंगे ऐसे सीधा कर देंगे, अब ये दो और ये तीन, तीनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए तीन का एक कर दिया हमने ऐसे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, सॉरी धागा अपनी तरफ ही रखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें जाली डालनी है, ये एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे सीधे, अब धागा पीछे है हमारा, देखिए यहाँ पर दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ रखेंगे, यहाँ पर हमने सीधा फंदा किया और तीनों फंदों में सिलाई डाली और पीछे से किया तीन का एक ऐसे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे हमारे ये उल्टे, धागा अपनी तरफ ही रख के देखिए इस फंदे को सीधा बना देंगे, यहाँ पर जाली डल गई, ये बीच वाले हमारे पांचों फंदे सीधे आएंगे, अब धागा हमारा पीछे है, इस फंदे को उल्टा बना देंगे, यहाँ पर भी जाली डल गई, ये भी फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, तीनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से कर देंगे तीन का एक, धागा अपनी तरफ, ये एक, दो फंदे उल्टे, अब यहाँ पर लास्ट में हमें जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करते हुए ये दो फंदे सीधे, एस स्टिच भी सीधा ऐसे। अब उल्टी तरफ से देखिए, इस पैटर्न की लास्ट रो है हमारी, फर्स्ट फंदे को उतारा, अब ये एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात फंदे उल्टे, दो सीधे,
धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे। जो फंदे हमें जैसे ही दिखाई दे रहे हैं बस वैसा ही इसे बनाते जाएंगे। ये हमारे सात फंदे उल्टे। अब इसके बाद देखिए ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। फर्स्ट रो से इसे स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको एक बार फर्स्ट रो इसकी डालकर दिखाती हूँ कि आपने कैसे इसे स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले ये वाले लास्ट के हमारे फंदे उल्टे। अब यहाँ पर फर्स्ट रो देखिए, ऐसे ये हमारा पैटर्न बन गया। पैटर्न बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। देखिए फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे हमारे उल्टे, ठीक है। फिर धागा दूसरी तरफ किया, ये सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ जाली तक देखिए ये सात फंदे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए पांच फंदे उल्टे, ये बीच वाले पांचों फंदे हमारे उल्टे। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। फिर धागा अपनी तरफ किया, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। फिर धागा दूसरी तरफ किया, सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। लास्ट में हमारे पास देखिए दो फंदे उल्टे, स्टिच का फंदा सीधा। तो एक बार मैंने आपको फिर से इसकी स्टार्टिंग भी कर दिखा दी है। पैटर्न बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और बहुत आसान है। देखिए बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, देखिए बहुत सुंदर है। देखिए इस वाली ऊन पे भी ये उतना ही सुंदर लग रहा है और इस वाली ऊन पर भी ये उतना ही सुंदर लगता है। तो आप किसी भी वूल पर देखिए इसे बना सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सुंदर डिज़ाइन है, बनाइएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ इस डिज़ाइन को, ताकि सारे बना सके। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।